मध्य प्रदेश के भिंड में एक बड़ा हादसा हुआ। यहाँ करीब 150 साल पुरानी जेल की दीवारें ढह गईं, जिससे वहां मौजूद 22 कैदी जख्मी हो गए। वहीं 8 को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के समय बैरक में 64 कैदी मौजूद थे। भिंड जिले में हादसा सुबह 5 बजे हुआ। एक सिपाही ने देखा कि बैरक नंबर 7 का प्लास्टर गिर रहा है, जिसकी जानकारी तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को दी। जैसे ही सिपाहियों ने बैरक खोलने की कोशिश की, पूरा बैरक भरभरा कर गिर गया। बैरक नंबर 2 की दीवार भी गिर गई। इसके बाद सिपाहियों ने बाकी कैदियों को बैरक नंबर 8 में शिफ्ट किया। जानकारी के अनुसार हादसे में बैरक नंबर 7 पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। हादसे के समय बैरक में 64 कैदी मौजूद थे। हादसे की जानकारी मिलते ही कलेक्टर समेत सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं 2 कैदियों को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया गया। मामले में पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से जेल में पानी टपक रहा था। हादसे से 4 दिन पहले पीडब्ल्यूडी विभाग को जेल की मरम्मत करने के लिए पत्र भी लिखा गया था, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इससे पहले भी जेल की मरम्मत की जा चुकी है। वहीं नई जेल का प्रस्ताव भी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज सुबह 5-10 के आसपास जो है, ये जेल जो काफ़ी पुरानी है, इसे 1958 में स्टार्ट किया गया था। लगभग 150 साल पुरानी जेल है। इसकी दीवारें भरभरा के गिरना शुरू हुई, जिसमें बैरक नंबर 6 जो है वो पूर्णतः ध्वस्त हो गया और उसमें 64 कैदी थे। जेल में कुल 255 कैदी थे, सभी की गिनती कर ली गई है और उसमें से 22 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। कलेक्टर साहब और मैं, हम लोग तत्काल यहां पहुंच गए। जेलर साहब और जेल के कैदियों ने इसमें काफ़ी मेहनत की है। अभी तक कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। आगे अभी कार्रवाई जारी है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।